Hello everybody, you are watching Learn English with Dr. Saloni Nandan. Today I have for you a short story, Let's Go Home by Kiwilian Sio. Kiwilian Sio was an Indian author who was born to Chinese Sikkimese parents. He was born in 1936 in Calcutta and attended school in Darjeeling. He has also written a few books in other modern Indian languages. This story was published in 1960 in his short story collection Let's Go Home and Other Stories. Kiwilian Sio एक इंडियन ऑथर है और राइटर है जिनके पेरेंट्स चाइनीज और सिक्किमीज थे. उनका जन्म कैलकटा में हुआ 1936 में और उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ाई करी. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अलग अलग इंडियन भाषाओं में. ये शॉर्ट स्टोरी लेट्स गो होम पब्लिश हुई 1960 में उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है लेट्स गो होम एंड अदर स्टोरीज. द स्टोरी लेट्स गो होम इज वेरी टचिंग एज इट एक्सप्लोर्स द इमोशंस एंड डीप सोरो ऑफ अ यंग बॉय हु ट्राइज टू कोप विद द डेथ ऑफ हिज मदर हुम ही लव्ड द मोस्ट. Since the narrative perspective, that is the point of view, is that of a 10-year-old boy, the vocabulary and prose style is fairly simple. Probably for this reason, the story is widely anthologized in English textbooks in India. This ye story, Let's Go Home, bahut hi dil ko chhune wali hai, kyunki is story ke through, writer ne ek jawan ladke ki दुखों को बताया है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था. ये स्टोरी एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी दृष्टिकोण से लिखी गई है इसलिए इस स्टोरी में शब्दों का और लिखावट में बहुत ही सिंपल यूज है, बहुत ही सिंपल शब्द हैं और प्रॉबली इसी कारण की वजह से शायद ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है स्कूल्स और कॉलेजेस में उसमें सिलेबस में ली जाती है ये स्टोरी. द बॉय हैड लॉस्ट हिज मदर अ वीक बिफोर एंड ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज फादर लॉन्ग टाइम बैक सो नाउ ही वाज स्टेइंग विद हिज आंट. ये स्टोरी उस लड़के के बारे में है जिसकी मदर की डेथ एक हफ्ता पहले हो गई थी और उसके फादर की डेथ बहुत साल पहले हो चुकी थी पहले ही और इसलिए अब वो अपनी आंटी के साथ रहता था. Now let's listen to the story. While going to the school by school bus, the boy listened someone talk about marbles. The talk about marbles made him forget everything. The boy, in fact, joined the discussion with his friends as his enthusiasm increased. जैसे ही बॉय ने मार्बल्स के बारे में बात सुनी वो इतना खुश हो गया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में लग गया और उसका एंथुजियाज्म खुशी बढ़ गई. ही वॉज वेरी सेंसिटिव एंड एब्सेंट माइंडेड यंग बॉय. इट वॉज अ स्ट्रेंज क्वालिटी ऑफ हिम. ये बहुत ही अपने ही अंदर खोए रहने वाला और बहुत ही सेंसिटिव यंग बॉय है और ये एक अजीब सी अलग सी उसकी क्वालिटी है. द बॉय हैड अ स्पेशल लाइकिंग फॉर सैटरडे इवनिंग एज ही मेड जोक्स एट होम विद हिज मदर. ऑन अदर डेज देयर वॉज होमवर्क फॉर हिम टू कंप्लीट. एंड हिज मदर हैड टू प्रिपेयर डिनर.
But on Saturdays, his mother finished cooking early and he had little homework to do. So they both were free, and thus Saturday evening meant a lot to him. In the school, as it was Saturday, the reading class began at 8:30. The boy found the class to be very exciting. स्कूल में चूंकि आज सैटरडे था तो रीडिंग क्लास शुरू हुई 8:30 बजे और बॉय को वह क्लास बहुत ही अच्छी लगी. द नेक्स्ट क्लास वॉज ऑफ अरिथमेटिक वेयर द बॉय वॉज लेस अटेंटिव एंड केप्ट फॉलिंग अस्लीप. बाद की क्लास मैथमेटिक्स यानी कि अरिथमेटिक की थी जहां पर बॉय ज्यादा क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा था और इस वजह से उसे बार बार नींद आ रही थी. In the afternoon at school, he had history and geography class. He spent the last hour of Saturday in the school library, where he read a tale about a clever young prince who defeated a man-eating monster and thus escaped from his clutches. Library mein boy ne ek kahani padhi, ek clever young prince ki, जिसने मैन ईटिंग मॉन्स्टर आदमियों को खाने वाले राक्षस को मार गिराया और उसके चंगुल से बच पाया. द बॉय फाउंड द स्टोरी टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड कॉमिकल. ही वॉज वेरी ईगर टू टेल द स्टोरी टू हिज मदर एंड सो ही फॉरगॉट टू टेक द स्कूल बस ऑन हिज वे बैक टू हिज होम. बॉय को स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर अपनी माँ को स्टोरी सुनाना चाहता था और इस कारण की वजह से वो स्कूल बस पे चढ़कर स्कूल से घर की तरफ जाना भी भूल गया और पैदल घर की तरफ चलने लगा. द बॉय वॉक टू हिज होम विद हिज फोर फ्रेंड्स नेड राम पीटर एंड गोपाल. दे वर एक्साइटेड एंड लाफ्ड अ लॉट. As it was Saturday, Ned was going to pictures, Ram was going for ice cream, Peter was going horse riding, and Gopal was going to a wedding. The boy was happy to go home and imagined about the lemon pie his mother would prepare for him on Saturday. Boy घर जाने के बारे में सोचकर बहुत खुश था और उसके दिमाग में वो इमेजिन करे जा रहा था लेमन पाई जो उसकी मदर हर सैटरडे को उसके लिए बनाती थी. हिज माइंड वॉज फिल्ड विद जॉय एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द स्लोप टुवर्ड्स द हाउस वेयर ही लिव्ड विद हिज मदर. उसका दिमाग पूरी तरह से खुशी से भरा हुआ था और इसलिए वो स्लोप की तरफ से नीचे उतरने लगा अपने घर की तरफ जाने के लिए जहां वो अपनी माँ के साथ रहता था. द बॉयज जॉय सडनली डिसअपीयर्ड व्हेन ही रीच्ड होम. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ द डेथ ऑफ हिज मदर. ही स्लोड डाउन एट स्नेल पेस एंड केम टू अ डेड स्टॉप. लड़के की खुशी अचानक गायब हो गई जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा क्योंकि उसे याद आ गई कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और अब वो बहुत ही धीमी गति से चलने लगा और घर के पास जाकर रुक गया. एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड स्ट्रेंज. ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज नॉट लिविंग देयर एनीमोर. घर के पास पहुंचकर उसे सब कुछ अजीब सा और शांत लगा. अब उसे महसूस हुआ कि वो उस जगह उस घर में अब नहीं रहता था. बट नाउ ही लिव्ड अप द हिल एट हिज आंट्स हाउस बिकॉज हिज मदर हैड डाइड 1 वीक अगो. अब वो पहाड़ी के ऊपर अपनी आंटी के साथ रहता था क्योंकि उसकी मदर का देहांत 1 हफ्ता पहले हो गया था. ही स्टूड स्टिल नॉट नोइंग एनीथिंग. His throat became choked and tears came into his eyes. जो लड़का था वो वहीं खड़ा हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे. उसके गला भर गया दुख से और आंखों में से पानी बहने लगा. The author, Quillian Cio, in this story describes the emotions of the child very beautifully. That any reader would be emotionally touched with the story. Quillian Cio
through this heart-touching story lays the importance of home. Home is a place where you love to live in because you have your family here, your childhood memories, and many more things. Home is a place where you feel comfortable and safe. A home provides you with the family that is always there for you. Even if you move to another house when you grow up, you still have beautiful memories of your home that are etched in your mind, and those memories remain with you forever. I hope you like the narration of the story. Thanks for watching the story, and do not forget to like, share, and subscribe to my channel for more such videos.